सरकारी क्वार्टरों में एक मोटर रूम में किसी शख्स ने हथियार रखे हुए थे और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। मंगलवार शाम को एक शख्स ने हमें कॉल किया था सरवाल के सरकारी क्वार्टरों से। जो खबर हमने आपको दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि सरकारी क्वार्टरों में एक मोटर रूम में किसी शख्स ने हथियार रखे हुए थे और उस खबर में अब अपडेट आ रहा है, जानकारियां आ रही हैं और कई और खुलासे हो रहे हैं। और उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि वो हथियार जो है वो किसी गैंगस्टर के हैं जो इस समय जेल में है, बड़ा गैंगस्टर है, जेल में है। और अब जानकारियाँ ये हैं कि उसके तार कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, कश्मीर के भी लिंक जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कश्मीर से ये हथियार जो है वहाँ से लिंक जुड़ रहे हैं। और ये हथियार कोई नए वहाँ जाके रखे हुए नहीं थे, बल्कि काफ़ी समय से ये वहाँ पर रखे हुए थे। और इन लोगों की मंशाएँ क्या थी, ये लोग क्या करना चाहते थे, ये खबर जो है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बक्शीनगर हथियार बरामदगी के मामले में पुलिस के हाथ कुछ अहम बातें लग रही हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। इस मामले में कश्मीर के लिंक भी बाहर आए हैं। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि जिन हथियारों को बरामद किया गया वो जम्मू में ताजा नहीं आए थे, बल्कि कुछ समय पहले ही लाए गए थे। ये हथियार किस मकसद के लिए लाए गए इसके बारे में भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पिछले सप्ताह मंगलवार देर रात सरवाल इलाके में दो देसी कट्टे तथा एक पिस्टल को बरामद किया था। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। उसकी पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति का नाम बाहर आया जो कि कश्मीर में नौकरी कर रहा था, लेकिन जब बक्शीनगर पुलिस की तरफ से कश्मीर में उसे पकड़ने के लिए काम शुरू किया गया तो वो प्रदेश के बाहर भाग गया। जांच के दौरान पता चला है कि वो सरकारी कर्मचारी है, उसकी ड्यूटी कश्मीर में है। जब उसे पता चला कि हथियारों को पकड़ लिया गया है तो वो प्रदेश से बाहर भाग गया। उसने भागने से पहले कुछ लोगों से फ़ोन पर बात भी की थी जिनसे पैसे मांगे गए थे। पुलिस ने उन लोगों को पूछताछ के लिए थाने में लाया। उनकी पूछताछ के दौरान पता चला कि वो अपने दोस्त को फ़ोन करके पैसा मांग रहा था ताकि टिकट करवा सके। फरार आरोपी एक गोलीकांड में भी शामिल रह चुका है। कुछ सालों पहले विक्रम चौक में हुए एक कांड के मामले में वो शामिल रह चुका है। उसने अपने आका के कहने पर उस समय कांड किया ताकि उसके आका के खिलाफ गवाही ना हो सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर वो कुछ दिनों में पुलिस की पकड़ में नहीं आता है तो इस मामले में जेल में बंद एक गैंगस्टर को पुलिस पूछताछ के लिए ला सकती है ताकि उससे पता किया जा सके। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि सरकारी कर्मचारी के संपर्क में ग्रामीण इलाके के युवक हैं जो कि उसके ही इशारों पर काम करते हैं। इस मामले की जांच के दौरान कश्मीर के पुलवामा जिले के लिंक के नाम भी बाहर आए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कहीं उसने कश्मीर में हथियार सप्लाई तो नहीं किए। अगर ऐसा हुआ है तो ये मामला काफ़ी बड़ा बन जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस के ऑफिसर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बक्शीनगर पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि सरवाल इलाके में एक नामी गैंगस्टर के हथियारों को छुपाया गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरकारी क्वार्टरों के एक मोटर रूम में छिपाए गए हथियारों को बरामद किया गया था। मोटर के कर्मचारी को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया। उसकी पूछताछ के दौरान ही सरकारी कर्मचारी का नाम बाहर आया, उसने ही हथियारों को छुपाने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों ने इतनी धांधली मचाई हुई है, कुछ सरकारी कर्मचारियों ने इतनी धांधली मचाई है कि इनका अंत होना जरूरी है।
और अब आप ये सोचें कि ये सरकारी कर्मचारी जो हैं, ये जो सरकारी कर्मचारी है, इसने हथियार वहाँ तक पहुँचाए थे। वो जो वहाँ पर कार्य कर रहा था वो भी शायद सरकारी कर्मचारी था, जिसने देखे वो भी सरकारी कर्मचारी था, जो चेहरा नहीं दिखा रहा था उसे ये खौफ था कि मेरी नौकरी चली जाएगी। और इन लोगों की मनचाहें इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसका अंत होना भी ज़रूरी है। अब इतनी इच्छाएं इनकी क्यों बढ़ रही हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले समय में अगर ये शख्स जो कश्मीर का शख्स था अगर ये नहीं मिलता है तो फिर गैंगस्टर को भी बुलाकर, जेल से गैंगस्टर को बुलाकर उससे पूछताछ की जा सकती है। ये मामला जो है सरवाल के सरकारी क्वार्टर्स का है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सरदार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।